नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने मंगलवार को चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि बिजली विभाग के द्वारा 7,500 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 3,500 ट्यूबवेल कनेक्शन आगामी फरवरी 2021 तक जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कुल 17,500 कनेक्शन के लिए आवेदन किए गए थे, शेष कनेक्शनों में किसानों को छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि अब किसानों को 3 स्टार मोटर बाजार से खरीदने की छूट दी गई है और ये कनेक्शन भी जल्द ही लगा दिए जाएंगे। बिजली मंत्री ने बताया कि आगामी 31 मार्च 2021 तक प्रदेश भर में सभी खराब खंभों को ठीक किया जाएगा या बदल दिया जाएगा। इसके अलावा बिजली विभाग के सभी खंभों की मार्किंग भी की जाएगी ताकि मुख्यालय स्तर से इनकी निगरानी की जा सके। इस संबंध में पिछले दिनों बिजली निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की गई, जिसमें निर्देश दिए गए कि आगामी 31 मार्च 2021 तक सभी खराब खंभों को ठीक किया जाएगा या बदला जाएगा। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश के 5,080 गांवों को महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 2400 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इस योजना के तहत लगभग 72% गांवों को कवर कर लिया गया है और इसके अंतर्गत पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी व फतेहाबाद जिलों के 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही शेष गांवों को भी इस योजना के तहत 2400 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। बिजली मंत्री ने बताया कि बिजली विभाग की कार्यक्षमता में वृद्धि लाने के लिए जल्द ही 200 SDO की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला व करनाल में स्मार्ट मोटर लगाने के लिए पायलट योजना संचालित है, जिसके बाद राज्य के अन्य शहरों में उसे लागू किया जाएगा। अभी 10 लाख स्मार्ट मीटरों का ऑर्डर दिया गया है। इन मीटरों को लगने के उपरांत 20 लाख और मीटर मंगवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग नए साल से बिजली उपभोक्ता को अच्छी व बेहतरीन सेवाएं देने का प्रयास करेगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो की रिपोर्ट। जाते हैं, अब मार्ग को जगह तो कोई पोल में हेराफेरी नहीं होगी, टोटल ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, उपलब्ध होगी हमारे डिपार्टमेंट की, कि जितने टूटेंगे वही रिप्लेस होंगे, उसमें कोई हेराफेरी नहीं हो सकते। नंबर 4, इसके बाद हम कर रहे हैं जी कि घरेलू कनेक्शन के लिए जो डोमेस्टिक कनेक्शन है उसमें 30 दिन से ज़्यादा लोगों को वेट नहीं, 30 दिन के अंदर अंदर उस कनेक्शन एक प्रक्रिया है, उसमें हमें फार्म भरना होता है, आगे भेजना होता है, वो रिपोर्ट करता है, उसमें इतना रेवेन्यू रिकॉर्ड उसका देखा जाता है और सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है। तो 30 दिन के अंदर अंदर ये इंश्योर करेंगे कि डोमेस्टिक कनेक्शन तुरंत हो जाए जी। लाइन लॉस हमारा पहले 31% था, जो घट के अभी 17% है, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जी इस साल में हम इसे 3 और 4% और कम करें।